लगाऊ छू ना 25 लाख को। खुश तो बहुत होगी ना आज, मोड़ा भी अच्छा मिल गयो, दहेज भी बच गयो, नकली गहनों में काम भी है गयो। जी जी, गलती हमारी मोड़ी की ही। तुम्हारी मोड़ी ने हमारी उम्मीद, हमारी योजना सबकी होरी चला दी। हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे। अरे हमारे मोड़ा का भी नाड़ा ढीलो पड़ गया, अब उसे फटे दूध में रबड़ी को आनंद आए तो हम का करें। इंदु, अब बात बिगड़ गई है तो संभालनी हम तो परिवार वालों को ही पड़ेगी ना। हाँ, अब आप कहो जैसो करें। पूत का पूत हो सके पर माता को माता ना हो सके। अब भगवान के आगे फिरे ले ही आए हैं, तुझे कच्चो ब्याह पक्को करना पड़ेगा। ब्याह पक्को है क्यों? सही में पक्को है? हाँ बुआ, पक्का है क्या? जे काम बढ़िया किया भैया ने, हमारी इज्जत बच गई, हमारी इज्जत बच गई। बुटन भाभी तो सुंदर आई। अरे आशीर्वाद आपने पोतन का बढ़िया से। बिरादरी में खबर फैलने से पहले ब्याह करना है, और वो भी इसी हफ्ते। अब हम कहेंगे जैसा ब्याह वैसा तो तुम कर नहीं पाओगे, तो जैसी मर्जी कर दो, बिन हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे बस। जे तो बहुत बढ़िया कही, कछु गोत्र नक्षत्र दिखा ले। नक्षत्र तो हमारे खराब ही है, और गोत्र वो तुमसे ऊंचा है। तो भाभी फिर समधन कहो। और का, अब समधन ना हो गई तुम्हारी तो? जी जी मैं। तुम भी समधन कहो, पुराने रिश्ते अब खत्म है गए। बधाई हो केदार जी। नाक कटा के छोरा छोरी गठबंधन चला बैठे, तोड़ के रिकॉर्ड रिजेक्शन के मोहल्ले में ही गुल खिला बैठे। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। नहीं नहीं, भोपाल में सिर्फ ब्याह हुआ है, सेटल तो दुबई में होना है। जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दहेज एक ढेला दहेज नहीं देना पड़ा। फोटो कहाँ से लाए? मैं इंटरनेट पे चिपका दूंगी ना दुबई पहुंचते। हाँ दुबई दुबई दुबई। हाँ अच्छा चलो रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, मेरा विदाई है। हाँ ओके रूपाली, ओके बाय। चल गई मुटली, चल गई। तुम्हारा मिशन कंप्लीट है गा। हाँ। अब नेक आंख में आंसू लिया, पुका है, विदाई है तुम्हारी। नई ससुराल वाले कहेंगे कतई बेसरम है मौड़ी। अबे कहाँ बजा रहे हो बे, लड़की विदा हो रही है, अब इधर वालों की तरफ से बजाओ। क्या भाई साहब, एक पेमेंट पे आप हमसे दो ब्याह निपटा लिए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि बजाना किसके तरफ से है, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से। अरे रंधन वाले बजाते ना, बजाते बजाते भाई नहीं मेरा, बजाते बजाते। सबने रुकाए।
पूजा पाठ जल्दी करो मम्मी, भाभी बड़ी दूर से आई ना, गई होगी बेचारी। मौसी, का कर रही हो तुम? वो इतनी रात को चिट्ठी बांटने निकले हैं। अरे सो रहे हैं और का? तुम तो सो रही हो पिंजे फूल वूल देखकर, हमारी तो नींद ही उड़ गई। काय? का काय? दुबई के चक्कर में ब्याह तो कर लिया, बिना प्यार के ये सब नहीं हो सकता है मौसी, हम नहीं कर पाएंगे। एनी का करिए, फीलिंग्स ही नहीं आ रहे। एनी तुम यार तो आग बंद करो और बुर्ज खलीफा के बारे में सोचो, फीलिंग अपने आप आ जाएगी। मौसी तुम कुत्ती रहो, अब धरो ना फोन। देर हो गई। तुम कुछ लोगे? पानी है। ऊपर वाले तेरे घर में देर तो है पर अंधेर कतई नहीं। सबर का फल इतना गोरा मतलब मीठा। ना 16 सोमवार में से एक ही दिन तो गलती से पानी पूरी खाई थी, चाकी ऐसी सजा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो जय भीतर, अरे हम आएंगे जाएं? नहीं नहीं अंदर आओ ना। हाँ वही तो, अब आ ही गए तो कम से कम हीटर तो लगाई दे। वैसे भैया आपके कमरे में इतनी भी ठंड ना है? नहीं 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 है ना ठंड है। जय क्यों? हाकिम 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 इतने जय उधर नहीं इतने इतने नहीं 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 थोड़ा पास ऐसे? हीटर को इतने सर का हमारी तरह नहीं 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 थोड़ी सी हमारी तरह यार तुम जाओ ना हम कर लेंगे। नहीं नहीं हाकिम कर लेगा ना। या? नहीं थोड़ा आगे निकलो से। यार इधर हाँ आगे से ये नहीं नहीं ऐसे है नहीं। आहा आज तो तुम्हारे फीता कट्टे को पूरा जुगाड़ है गयो। ये नरम नरम गद्दा और ये फूल की सेज। हमारे टाइम एक पंखो है तो घर घर और एक खटिया है ठीक जो चलर चलर। ओहो ग्रैंड मदर चलो चलो भाई, कबाब में हड्डी और जवानी में बुढ़ी सही ना होए। चलो मोड़ा जरा आराम से मोड़ी नेक सूर से। अरे चलो तुम तो
कतई काम सुस्ता की अम्मा है रही हो। चल रही हूँ, चल रही हूँ। भैया चिटके नहीं लगा लो। ना जी मचल रहे हैं। ऐसे कैसे मचल गए? अभी तो कुछ किए भी नहीं। हमारे पास पुदीने की गोली है, हम लेके आते हैं। ये गोली ले लो, मचलाहट बंद हो जाएगी। आयुर्वेदिक है, नो साइड इफेक्ट। खट्टे डकार आते हैं, हम यही खाते हैं। बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। अब तक गोली पेट में नहीं पहुंची। नेक लंबा शरीर है ना, तो देर से पहुंचेगी। पहुंचन दो। पहुंची? हमने बाथरूम होके आते, हम छोड़ के आते। जल्दी आ जाना प्लीज। काम हमारे लाने छोड़ दो, तुम राम राम जपो बस। अरे हमें भी तो देखने दो, हमें जल्दी जाना है। तुमसे ज्यादा जल्दी हमें है, रात तो ऐसे निकल गई, दिन की भी हड़ताल कराओगे कहाँ? इतना क्या मरी जा रही है देखने के लिए? इसी गली की तो लड़की है, गर्ल्स नेक्स्ट डोर। गहने तो बड़े जोरदार के हैं, कुंडल, गले का हार, मटर माला और हाथों के कंगन। 7-8 लाख के तो होंगे गहने। हाँ। 7-8 लाख के? लॉल, ओ माय गॉड, सारे के सारे जेवर नकली हैं। एनी हमारे सामने ही तो गई थी हेमा के साथ, क्यों रे हेमा?
अरे तो हमसे पूछ लेती है, ये बोतलबाजी काय कर रही हो? और जे सोना चांदी छोड़ो और हमारी बहू देखो, ये हीरा है हीरा। अरे इस हीरा को जोहरी के पास आने दो, जा से चमक आए। अरे तुम रुक काय गई, चलो बजा बजा चलो। बताओ बीबी, हम लाए मनोरंजन पूरा मोहल्ला कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आंटी जी। लगी लगी। भाभी जी राम राम, बड़े शुभ कदम पड़े हैं आपके इस घर में। ऐसा क्या है? क्यों? साक्षात लक्ष्मी का रूप है घर में। भाभी जी के आते ही पुष्पिंदर की नौकरी लग गई, और तो और हमारी ही कंपनी में हमारा बॉस हो गया। इन पुष्पिंदर की नौकरी तो पहले से ही दुबई में है। वो तो कब का निकाल दिया गया, तभी तो यहाँ के पकड़ी है। फूट का ही नहीं रहा कछु मुंह से, फूटो। मम्मी हम बताने वाले थे, पिन मौका नहीं मिला। ब्याह का मौका मिल गया हमको, बताने का मौका नहीं मिला। हे भगवान, जा घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे सर पे तो एक के बाद बिजली सी गिर रही है। जामुड़ी को ब्याह से पहले बता देना कि दुबई की नौकरी नहीं रही। नहीं मम्मी, वो जल्दबाजी में सब हो गया। अरे रे रे रे, ब्याह से पहले बता देते ना तो जाके सपनों में पानी ना फिरता। बिचारी के विदेश जावे के सारे सपने तोड़ दिए तुमने। मम्मी समझा नहीं मैं। तुमको नहीं पता जामोड़ी ने 10 मोड़े क्यों रिजेक्ट किए विदेश जावे के चक्कर में? अरे इंदु, तुम क्या इंदु, इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जामोड़ी ने इसके साथ ब्याह क्यों किया है। जे कोई प्यार का ब्याह नहीं है, जे विदेश को ब्याह है, दुबई को ब्याह है, जा तो पूछ लो। नहीं मिला कि जानबूझ के खेल खेला है। का खेल? अब दुबई हो चाहे इंडिया, नौकरी तो है ना, लेकिन तुम तो कतई चालू निकली। चालू तो तुम भी कम नहीं हो। हम चालू? उल्टा भूत हनुमान चालीसा पढ़े। हमें क्या पता तो तुम दुबई के चक्कर में दाना डाल रही हो। तो क्यों चुग लिया दाना? इतनी भोली चिड़िया तो तुम नहीं हो। चिड़िया तो हम भोली है, नहीं तो दो दिन में तुम्हारे प्यार के जाल में फंस के ब्यांग करते। तुम्हारे नकली प्यार के चक्कर में अपनी माँ का दिल दुखाया। ओह, कतई जलेबी की तरह सीधे हो का? अपनी नियत की कहो, मोटी नाटी से बढ़िया हम मिले तो तुम्हारे पजामे में सिसरी है गई। हो गई सरसुरी है गई। तुमने कौन सी बड़ी कृपा कर दी हम पे, जे ब्याह करके दुबई के चक्कर में लपेट लियो। दुबई के चक्कर में है? काश पहले बता देते, तुम जैसे ढोंगी लालची से बच जाओ। ढोंगी लालची नहीं हूं मैं, एंबिसिस हूं। एंबिसिस? एंबिसन देखो इनका, खुद करके जाओ विदेश, चलते हेलीकॉप्टर में लटक के यात्रा करें, से एंबिशन ना कहें। एंबिशन नफल नरस ऊपर से स्वाद का कस। तो तुम कौन सी गुलकंद के पिटारे हो, आधे बैंगन आधे चुकंदर और नाम पुष्पिंदर? हाँ तो फिर भुगतो। हाँ हम तुम्हें भुगते, तुम हमें भुगतो। शादी करके तबाह हो गई हमारी जिंदगी। हाँ तो तुमने हमारी जिंदगी में कौन से चौधरी के चांद लगा दिए? छोड़ो, पकड़ो अपने एंबिशन। सारा जुगाड़ का भसड़ मच गया, अब क्या कहूंगी सहेलियों से, क्या चिपकाऊंगी इंटरनेट पे। लंदन अमेरिका छोड़ के दुबई पकड़ा, और दुबई नहीं सीधा पड़ोस में पटक गया। ये लीजिए। अरे अरे नहीं आंटी। अरे खाइए खाइए, खाना तो पड़ेगा ही। अरे नहीं लीजिए। अरे अंदर जाओ, नजर लगाओगी क्या हमारे दामाद को? जी रबड़ी खाओ, खास तुम्हारे लान बनाई है। ए मोड़ी, दामाद जी को बोलना। दामाद जी कचौड़ी लेंगे? आज रहने दो, फिर कभी कर लेना लाड़ प्यार। बड़ा तुम नेक हमारे साथ चलो। अरे चाय कमरे में भेजा देना। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी, यहां से। मोड़ा के कैरेक्टर देखे हम तो गंगा नहा लिए। कैरेक्टर गए जिज्जी। बढ़ाओ बढ़ाओ, आज खूब ज्ञान बढ़ाओ, हमें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा।
तुम तो गंगा नहा लिए, हमारी जिंदगी रेगिस्तान है गई। हैं? ऐसे काहे बोल रही मोड़े? हीरा जैसो दामाद है। कोई हीरा ना है, कोयला निकला कोयला। जा हीरा जैसे दामाद की दुबई की नौकरी गई और भोपाल की नौकरी पकड़ ली। का नौकरी चली गई? हाँ मौसी, अब हमने जो दुबई के चक्कर में जे ब्याह का प्लान सेट किया था ना, अब वो दुबई नहीं रही। तो जे मोड़ा अब दुबई नहीं जाएगो? अब नौकरी से निकाल दिया तो कैसे जाएगो? दुबई, दुबई भी गया, लंदन सोचा था, अमेरिका सोचा था, हमारी जिंदगी बर्बाद। एनी, कभी कभी जुगाड़ फैल भी है जाए। अब जो हैगा सो हैगा ना, अब तुम भी जो दुबई की पिक्चर खत्म करो और तुम एक बड़ी है जाओ। जी समझदारी पहले दिखा दी थी, जब कहीं मोड़े पे ट्राई मारो दुबई जाओगी। बिस्तर में मत छोड़ो, हमारी बात सुनो। आज तक हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? बिना ब्याह है गौ है तुम्हारो, बस आप कछु बोले तो चार पड़ेंगे गाल पे, गाल बन जाएगा मालपुआ। देख मोड़ी, अगर तुमने कोई नयो सरपंच कियो तो हम आओ मरो मुंह देखोगी, और अगर हम दुबई नहीं गए ना तो तुम हम आओ देंगे। एक जी मोड़ी तो हमारी जान लेके जाएगी। जी जी नेक्स्ट हाथ है जाओ। अरे जाओ, कुछ चाय वाय भेजो। चाय लेके जाओ तुम। बेटा, हम तो तुम्हारे जैसा दामाद पाके बहुत खुश हैं, पर हमें पता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ब्याह से बहुत दुखी हैं। तुम्हारे ब्याह से बहुत उम्मीदें थी उनको, तो बेटा एक विनती है, हमारी बुरा मत मानना, हमारे सम्मान के लिए जी ले लो। पापा जी ये क्या है? अब बेटा 20-25 तो ना है हमारे पास, तुझे 5 लाख का चेक रख लो। और तुम्हारी मम्मी को इतनी छोटी रकम देने की हिम्मत नहीं हुई हमारी, तो तुम्हें दे रहे हैं। पापा जी, जी सच है हमारी मम्मी को उम्मीद है, पर वो हमसे हम पूरा करेंगे। दहेज के पैसों से ना तो गृहस्थी चले ना बने, और हम जैसे पढ़े लिखे नहीं सुधरेंगे तो प्रथाओं को खत्म कौन करेगा? 25 साल अपने कलेजे से लगाए बेटी को आपने हमें दे दिया, इससे ज्यादा क्या लूं? हम नहीं लेंगे पापा जी। ना बेटा रख। नहीं नहीं, नहीं हमारी खातिर, प्लीज हमारी खातिर बेटा। ये पैसे हम ले लेंगे तो अपना घमंड खो देंगे। हमारी बेटी ने आज तक एक ही काम अच्छो की है, तुमसे ब्याह। चाय? हाँ बेटा, दामाद जी को पिला, हम नेक नीचे मेहमानों को देख लेते हैं। है बेटा, बैठो। तुमने जो अभी पापा से कही वो दिल से कही कि कहने को कह दी? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। समझ में आने वाली लूडो है तुम्हारी तरह, देर से समझ में आने वाली शतरंज नहीं। एक बात हम भी पूछें, बताओगे? तुमने दुबई के चक्कर में हमसे ब्याह किया? हमसे कतई प्यार नहीं था।
ही चाय। अरे भाई, एनी के मम्मी पापा ने बहुत बढ़िया सामान दिया है, है? मिठाई भी देसी घी की दही है। खेल रही है तुम्हारे ऊपर। अदरक और इलायची डाल दी। अरे वाह, मौड़ी तुम तो कतई हमारे जिगर में उतर गई। पर एक बात बता, गई जब तो बड़ी सूखी सूखी थी, आई तो बड़ी खिलखिला रही हो। मैंने चेंज करके आता हूँ थोड़ा। रे मौड़ी, तुम्हारी सारी बुराई माफ, और जे लव मैरिज पे हमारा तना तना आशीर्वाद, हम नेक बदल के आते हैं। भैया, ओ भैया, ये लो। ओहो, चाय साय। इतनी जोर से काय ही निना रहे हो? भैया के लाने दो ऐसा चिट्ठी आई तो देने के भूल गए। हाँ तो पढ़ो। पहले नौकरी से निकाल दिया, अब जे चिट्ठी भेजी है। हाँ। अरे जल्दी निकालो। प्राइवेट लग रही है, हम दे आते हैं। हमसे ज्यादा प्राइवेट है का? चलो पढ़ो। पढ़ दे बेटा, पढ़ दे। इतने उतने काय देख रहे हो? पढ़ो जी। अंग्रेजी में तो पीए काय वास्ते कर रहे हो? हाँ, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती इतनी सी? चलो पढ़ो। डियर मिस्टर पुष्पिंदर त्यागी, It is our extreme pleasure to announce that you have been reinstated as an accountant in our Dubai headquarters. We at Tahfik Associates convey our deepest apologies. सांस ले लो बेटा, सांस ले लो, गला साफ कर लो। Apologize for the slip-ups in the manic at the end of the financial year. Looking forward to hearing from you soon. Regards, Sheikh Al-Kazmi Mujabir Rahman. Sit down. है क्यों? है क्यों? बात का कही है? जेना पता। हाँ? जेना पता। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो? इससे अच्छा तो काम धंधा कर लो घर में, चार पैसे तो आएंगे। अरे कोई है जो जा इस लेटर को पढ़ सके? क्या लिखा है इसके अंदर? हाँ बेटा, तुम पढ़ लेती हो? पढ़ो। मम्मी जी, इसमें ये लिखा है, जिस नौकरी से निकाला गया था ना, वो दुबई वापस बुला रहे और तंखा भी बढ़ा दिया। जे गजब है क्या? चलो, इतने दिनों में कोई अच्छी खबर तो आई। कहा पापा जी, कोई अच्छी खबर आ गई का? तुम्हारे लाने एक अच्छी खबर है, दुबई वाले फिर से बुला रहे हैं तुम्हें। और तंखा भी बढ़ा दिया। अच्छा है तुम ब्याह से निपट गए हो, अब दो चार दिन में नौकरी पकड़ लो, कम से कम ढंग के पैसे तो हाथ में आएंगे। मम्मी जी, मम्मी मम्मी हम जे नौकरी नहीं करेंगे। जी का कह रही हो? थोड़ा सोच समझ ले बोलने से पहले। हमने यहाँ नौकरी पकड़ ली है। तो छोड़ दो ना। और जहाँ वाले उतने पैसे भी नहीं देंगे जितने दुबई वाले दे रहे हैं। कम कमा लेंगे, बिन आप सबके बीच में रहेंगे ना। थोड़ा बुद्धि से काम लो, समझ में आई तुम्हें? सात की चीज ना 70 में आ गई है, और अभी तक ना घर की किस्त भी पूरी ना हुई है। तीन तीन जने पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, नाते रिश्तेदार तीस त्योहार सबको खर्चा है। अरे समझाओ अपने मोड़ा को, हम कौन सा उम्र भर के लिए कह रहे हैं, सिर्फ 2 साल की तो बात है। मम्मी जी, 7 साल में 2 बार घर पे आए, हमसे नाराज है वहाँ, हमें सबकी याद आती है, और हमें वहाँ का हवा पानी नहीं जम रहा है। अच्छा, बड़ी जल्दी हवा पानी बदल गया तुम्हारा। हाँ बेटा, लगता है अपने घर की जिम्मेदारी भूल गए हो तुम। जिम्मेदारी भूलते तो ये नौकरी पकड़ते। फिर मम्मी जी कह रही तो चलते ना। देखो मोड़ा, तुमने तो बिना दहेज के ब्याह कर लिया है, लेकिन ये हेमा को ना इतना समझदार नहीं मिलेगा।
एक बार हेमा का ब्याह हो जाए फिर जो मर्जी में आए कर लेना। हेमा के ब्याह की जिम्मेदारी तो मिहारे की भी पूरी कर सकते हैं मम्मी, इस नौकरी से। मम्मी अब बस भी करो, भैया को यही रहने दो, हम 7 साल से लिफाफे में भेज रहे राखी। और का, विरजय चाचा है ना मस्केट में, फिर 2 साल पीछे हम उन्हें बुला लेंगे और हम चले जाएंगे। अब बिंदु यहाँ नौकरी पकड़ ली है मौड़ा ने तो ठीक है ना फिर। ठीक है, 6 महीना यहाँ पर रह लो, पर उसके बाद टिकट कटा लो। ऐसे कैसे कटा ले? हाँ हम नहीं कटाएंगे। तुमको कटाना पड़ेगा। हम नहीं कटाएंगे। तुमको कटाना कटा। हम पे अकड़ दिखाओगे। तुम्हारे सर में काय दर्द हो रहा है? जिस कारण से आपके सर में दर्द हो रहा है उसी कारण से हमाओं भी हो रहा है। जे बताओ, तू भाई जानो है? जाना तो है, पिने ने तो साफ मना कर दियो कि नहीं जाएंगे। जाएगा, तुम चाहो तो। हम चाहे, मतलब हम तो चाहते ही हैं। अच्छा जे बताओ, जो ब्याह के बाद जो कछु भी हुए वो हुआ का? नहीं मम्मी जी, होना भी नहीं चाहिए। का है मम्मी जी? अरे मुड़ा तभी मुट्ठी में आ सके, सब कुछ करो बस वही मत करो, वही चिटक दो। बोलो पहले दुबई जाना है। ऐसे करने से वो दुबई चले जाएंगे? सुंदर औरत चाहे ना, आदमी से कुछ भी करा सकती है भले ही उसमें अकल ना हो। पिन मम्मी जी, हमें नहीं लगता जी आपका प्लान ज्यादा दिन तक चल सके। कैसे हम रोज रोज खुद को बचाएंगे? अरे ये सब कुछ दिनों की बात है, फिर मोड़ा उकता जाएगा तब तुम कह देना पहले दुबई चलो। हाँ जे, क्या सिखा रहे हो मम्मी जी? कौन सा ज्ञान दे रही हो? वो काय दे रही हो हमें दुबई भेजने के लाने? तुम तो बहुत खुदगर्ज है गई हो मम्मी। नहीं नहीं मोड़ा, ऐसा कछु नहीं हुआ, तुमने कुछ गलत सुन लिया। गलत सुना नहीं हमने, गलत है गयो हमारे साथ यहाँ आके जब यहाँ करके। हम तो तुम्हारे लाने रुकना चाह रहे थे और तुम जय परपंच, भले धरती पटके दुई हो जाए, आसमान में सुनामी आ जाए, सूरज पश्चिम से निकल आए, पूरी दुनिया की ऑक्सीजन खत्म हो जाए, आम के पेड़ पर अमरूद उगाए, हम दुई नहीं जाएंगे। सुनो तो। चुप कर! तुम कितनी लालची और बेशरम हो गई हो। हम लालची? हम बेशरम? हम जो तुम्हारी मम्मी कह रहे हैं वही कर रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं, मम्मी की इतनी बात मानते ना तुझे ब्याह ना करती। पर दुबई की चूल चालू है गई है, दुबई है, दुबई है, दुबई बेशर्मी बेहाय। देखो हम फिर से कह रहे हैं, नीचे पान पे क्लिप लगा दो, सोच समझ के कहो। सोच समझ के बोल ले, नहीं तो जैसे सीक्रेट के तुम प्लान बना रही हो ना, तो थप्पड़ बनते तुम्हारे। हम क्यों थप्पड़ खाए? हाँ प्लान तो तुम्हारी मम्मी बना रही है, मम्मी को मारो थप्पड़।
कहाँ है गौ? हमें तो कुछ नहीं पता, मम्मी को सब मामलों पता है। भाभी जी कहाँ आ गया हो? नहीं कछु नहीं, छोटी मोटी बात है गई दोनों की। अरे बेटा है नहीं, अरे कछु तो बोलो कि हुआ क्या है? अरे बुढ़ी रुको, ऐसे गुस्से में ना फैसला करे, समझा करो। बुआ बात समझानी है ना, तो अपनी भाभी और भतीजे को समझाओ। आ बुढ़ी रुको अरे ना। आ बुढ़ी। अरे बेटा एनी, बहू अरे ए, ए, एक मिनट तो रुको एनी, अरे बात तो सुनो, सुनो सुनो बात तो सुनो, अरे बोलो इसको कुछ। सुन तो लो यार। अरे बहू भी बहू ए मोड़ी देखो सुनो। अरे बहू सुन, दरवाजा खोलो। तू कुछ बोल ना। कहाँ है गो? हमें उस घर में जाना ही नहीं है। अरे समधी जी समझाइए ना इसे कि ऐसी छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर ना जाए। ये देख रहे हो कनपट्टी हिल गई हमारी, ये छोटी मोटी बात है? अपने मौड़ासी कहो हमें हल्के में ना ले, हमारे पापा ने भी आज तक हमें थप्पड़ नहीं मारा। कहा है मनोहर भाई, ऐसी क्या बात है कि दामाद जी को हाथ उठाना पड़ गया? हमें ना बताओ कि क्या बात भाई है, बस इतना पता चलो कि आपस में इन दोनों की कछु बहस हुई और मौड़ा ने हाथ उठा दो। ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब। अभी जी हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन बहू इस तरह से घर के बाहर चली जाएगी तब तो मामला और उलझ जाएगा ना भाई साहब। हमें कोई मामला रखना ही नहीं है। बेटा है नहीं बात सुनो, तुम अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करेंगे, सब 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 ठीक आ जाएगा बेटा। हमें ना कोई बात करनी है ना उस घर में जाना है। अरे बहू ऐसे तो बेटा दोनों घर की इज्जत चली जाएगी। इज्जत जाती है तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं आएंगे। सही कहा बेटा। तुम काय समझोगे इज्जत, जो कमाए वो समझे। पेन एक बात हमारी भी सुन लो, जब ब्याह जैसे बड़ो निर्णय तुम खुद ले सको तो अपने घर गृहस्थी की लड़ाई भी खुद ही लड़ो। पिंजा घर के दरवाजे तुम्हारे लाने नहीं खुलेंगे। मतलब हम अपने घर ना आ सके? ना। तुम्हें जाना है बाहर? ठीक है नहीं आएंगे ना थे। अरे बावली तुझे उससे लड़ना है तो अंदर चल के लड़, बाहर की कैसी लड़ाई? ये छोड़ो और अंदर चलो। ना किसी से लड़ना है ना उस घर में जाना। देख मोड़ी 80 बरस को अनुभव कहूँ, अभी तो तू घर से बाहर आई है। दुबई चला गया, किसी से कुछ कहा भी नहीं। अब ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो आज से पहले ऐसी महाभारत भी तो ना हुई घर पे, जाते नहीं तो क्या करते? न मम्मी ठीक से बात करी, न भाभी, चले गए बेचारे। कौन कहाँ चले गए? भैया दुबई चले गए। अब मिल गई शांति? ऐसे कैसे चले गए? तो कैसे जाते, रुकने लायक छोड़ा तुमने? बेचारे इनकी नाराजगी दूर करने में कब से लगे रहे, पर इनकी अकड़ है कमी नहीं है रही। हेमा तुम क्या? हेमा नेक धरती पर पैर रखो जरा, और जैसा परपंच की जड़ ना तुम हो, तुम जैसी मतलबी लड़की। हेमा चामे आने की कोई गलती ना है, सारी गलती हमारी है। हमने ही कमाई के लालच में पुष्पिंदर को घर से दूर कर दिया, उसे दुबई भेजने के लाने हमने
हमने ही बहू से कहा कि उसके साथ सोना बंद कर दो हिंदू। और ये सब हमने हेमा के लाने किया ताकि उसका घर बस जाए। बेटी का घर बसाने के चक्कर में हमने बेटे और बहू का घर तोड़ दिया, सबका मन तोड़ दिया। छोटी छोटी हमें माफ कर दो, हम कल ही इक्का के पापा को फोन करके बुला लेंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी कमाई, हमसे बहुत बड़ी गलती है गई, हमें माफ कर दो। हमाओ मोड़ा चला गया। जेलो क्या है? हमें नहीं पता, भैया ने आपके लाने दिए। एनी हम जा रहे हैं, हमारे सपने तो पूरे न हुए, पिन तुम्हारे हम पूरा कर देंगे। लेटर के साथ सिंगापुर की टिकट रखी है, अकेली मत जाना। और हमसे गलती है गई है कि तुम पर हाथ उठाया, हमें माफ कर देना पुष्पिंदर। रात एयरपोर्ट पे बैठ के सोचते रहे, जाए ना जाए। तुमसे मिला बिना जा नहीं पाए, अब मिले अब चले जाएंगे। नहीं मोड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे का उठा रहे? नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मोड़ा। अरे छोड़, तुम यहीं पर रहोगे मोड़ा, नहीं जाने देंगे। सारी गलती हमारी है, ये सब हमारे कारण हुआ है। हमने लालच में आकर के बेटे बहू का घर तोड़ दिया। तुम कहीं नहीं जाओगे मोड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे तो आपके पैसे का नुकसान हो ही जाएगा। हमारी तो सारी कमाई तुम ही हो ना, हमसे गलती है गई, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती है गई, हमको छोड़ के मत जाओ। काहे रो रही हो मम्मी? पुष्पिंदर जी आ गए, पुष्पिंदर जी आ गए। अरे सुनो, पुष्पिंदर जी आ गए। अरे मोड़ा भैया। अरे मोड़ा कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ चले गए थे? पूरी रात कितने बजे आई? पहले केला खा ले। अरे हम सब परिवार वाले तुम्हें देखना पूरा भोपाल घूमी आए, चक्कर घिन्नी की तरह। ऐ तुम चुप रहो ना। ए मोड़ा तू हमारी छोड़, जा तू बहू के पास जा, जब से तुम गए हो ना बहुत परेशान है गई वो। जाओ मोड़ा जाओ। अच्छा चले जाएंगे ना। अरे जाओ ना मोड़ा, चले जाएंगे ना मम्मी। अरे जाओ ना। अरे भैया जा नहीं, भाभी अपने मम्मी के घर गई है, मन हल्का करना है। अरे जाओ ना। अरे तमाची, अरे तुम आ गए जी, तो बहुत अच्छा किया। हाँ तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं। अच्छा, कंपनी ने बिजनेस क्लास का टिकट दिया था तो बिजनेस लॉन्च में बैठे थे। अच्छा, फिर सोचा जाए ना जाए। अच्छा आपकी याद आ रही है जी, तो बहुत। हाँ बुलाते ना ये छोटी। अरे दादी इसे छोड़ो, भैया आ गए। भैया कहाँ? हाँ मोड़ा आ गए हो? आ गए, भाभी घर गए मिलने, आते हैं अभी। मोड़ा आ गए हो? मुंह काहे लटकाए हो, अब तो खुश हो जाओ। काहे? पुष्पिंदर आ गया। कहाँ? हाँ जी देखो बैग। अरे दामाची बैठो, नाश्ता पानी। अरे बैठो तो सही, नाश्ता लेके आ रहे। ला रहे। अरे दामाची और तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया है। हमसे मिलने? नहीं हमसे मिलने। मम्मी जी कहाँ है? ब्याह थे, हमने कही तुम निकल गई तो तुमसे मिलने पीछे के दरवाजे से भागे चले गए। एनी दिखाई नहीं दे रही? तुमसे नहीं मिली? अरे अपने घर गई है ना तुमसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। एक मिनट। छोटी चाय नाश्ता ले। नहीं नहीं हमें चाय नाश्ता नहीं चाहिए।
एनी। अरे दामाद जी, तुम बैठो। अच्छा चलो देख आते। का तुम दोनों तब से दोनों घर का परिक्रमा लगा रहे हो? तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, हम लेके आते। दामाद जी, वो पीछे के दरवाजे से गई है। पीछे? आप इतने रुको, मैं मौड़ी ने लेके आती हूँ। कतई हेड एंड सी कह दिया, तुम्हारा जुगाड़ बिठा दिए। भाभी को वहाँ रुक के आए, चलो हमारे साथ। जे तू अच्छा किया। ले उते दामाद जी आम से अमचूर है गए, तुम इतने अचार डाल रही हो। अरे चलो, जीजी ने उनको रोक के रखा है, चलो। पर वो तो इतने आएंगे ना। अरे पिन वो तो उते बैठे है ना। रास्ते के रोटे पुष्पिंदर जी, सपना दो दरवाजों के कारण हुआ है। तुम जाके वो दरवाजा बंद करो। पुष्पिंदर तुम अकेले कैसे बैठे हो? का है जे? इक्का का लंगोट है ये, 4 साल से जेई बुन रही हो। ए मोड़ा। अरे बेटा एनी को सुनो। एनी अब जब पंचायत को समय नहीं है, समझी? अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? संभालो अपने आप। चोट से सुनो तुम। अब एक काम करते हैं, आगे के दरवाजे से चलते हैं। ये दरवाजे से चलो 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 पुष्पिंदर। छोड़ के चले गए तो वापस क्यों आए? हम इमोशनल आदमी है ना, सुहागरात ना मनाए कैसे जाएंगे? भैया भाभी मिल गए, भैया भाभी मिल गए, भैया भाभी मिल गए। किधर है? किते? अरे किधर आते? अरे किधर? कहाँ मिल गए? किधर? चाहिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के